अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नीम ट्री। नीम ट्री एक बड़ी प्यारी नज़म है, मिसेज एल्सा काजी ने लिखी है। मिसेज एल्सा काजी जो अल्लामा आया काजी की बीवी थी, अल्लामा आया काजी वाज लेट वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर। वो 1907 में अल्लामा आया काजी से मिलती हैं और 1910 में वो शादी करते हैं। फिर सारी ज़िंदगी तकरीबन वो यहाँ सिंध में गुजारती हैं और 1967 में हैदराबाद में फौत हो जाती हैं और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में दफनाया जाता है। माई लवली नीम दैट इंटरसेप्ट सन स्कॉचिंग बीम इट बियर्स द हीट ऑल डे विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे दाउ चार्मेस्ट The wanderers woo away with soothing shade. How strong you are, how unafraid, how green thy leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon the unprotected head. Could man be bold as thou and rise? Wonderful. Could man be bold? As thou and rise above the earth with the sheltering arm to save the suffering ones from harm, from sorrows, poverty and vice through sacrifice. Could man be steadfast and like thee, face every fate? Would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely Neem? Wonderful point. This is a wonderful point. देखें, जब आप पोएम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड पोएम की जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, वो क्या होती है, उसकी जो हर लाइन होती है, सेंटेंस होता है, उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वो बिलाशक वो सेंटेंस मुकम्मल ना हो, लेकिन जो नई लाइन पे जो स्टार्ट होगा, नई लाइन स्टार्ट होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम विद द कैपिटल लेटर। अब जैसे माय लवली नीम, माय एम कैपिटल होगा आपका, फिर नेक्स्ट लाइन दैट इंटरसेप्ट सन स्कॉचिंग बीम, दैट का टी कैपिटल होगा, ठीक है। तो इनके सारी लाइन्स जो हैं पोएम में, हर लाइन का पहला वर्ड लेटर जो होता है दैट इज कैपिटल, ठीक है। माय लवली नीम, अब आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो पोएट है या जो स्पीकर है स्पेशली, वो स्पीकर कौन है और स्पीकर किसको एड्रेस कर रहा है, होम डज द स्पीकर एड्रेस टू। अब यहाँ माई लवली नीम, नाउ द स्पीकर एड्रेसेस टू द नीम ट्री। वो नीम ट्री को एड्रेस कर रहा है कि वो किससे बात कर रहा है, वो नीम ट्री से बात कर रहा है, वो उसे एड्रेस कर रहा है कि मेरी प्यारी नीम, यानी नीम के दरख्त के साथ वो बात कर रहा है, ठीक है। माई लवली नीम दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉचिंग बीम Yet bears the heat all day without the rain's refreshing spray. ठीक है, कह रहा है कि मेरी प्यारी नीम सार क्या करती है, that intercepts sun's scorching beam, जो सूरज के तेज किरणों को बर्दाश्त करती है। Yet bears the heat all day, जो सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करती है। Without the rain's refreshing spray, बगैर किसी बारिश के पानी के। Thou charmest the wanderers woo away with soothing shade। क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी जो छांव है, तुम्हारी यानी छांव के नीचे, तुम्हारे शेड के नीचे जो भी लोग आते हुए थके हुए परेशान, उनके थकावट को, तकलीफ को, परेशानी को तुम दूर करती हो। क्या इमेजिनेशन है पोएट, देखिए वंडरफुल। हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, कितनी मजबूत हो, कितनी निडर। हाउ ग्रीन द लीव्स In spite of all the midday flames that burning fall upon the unprotected head, कह रहा है फिर भी तुम्हारे देखो दरख्त के जो पत्ते हैं फिर भी हरे हैं,
बावजूद इसके कि तुम सारा दिन तेज रोशनी तुम्हारे ऊपर गिरती है, सूरज के किरणें गिरते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो हेड है, तुम्हारा जो सर है, दैट इज़ अनप्रोटेक्टेड, वो महफूज नहीं है, वो खुला हुआ है, सारा दिन सारे धूप गर्मी तुम्हारे ऊपर होती है, फिर भी तुम्हारे पत्ते हरे हैं। Could man be bold as thou and rise? कह रहा है क्या तुम्हारे जैसे इंसान हो सकते हैं बहादुर? और जो खड़े हो जाएं above the earth, जमीन पर, with the sheltering arm, खुले हाथों से, बाहों से, to save the suffering ones from harm, तकलीफ दा परेशान लोगों की मदद को, क्या वो गरीब जो परेशान लोग होते हैं उनकी मदद के लिए वो अपने हाथ खोल सकते हैं, जैसे तुम थके हुए के थकावट को दूर करती हो? क्या ऐसे लोग हैं, ऐसे बहादुर लोग हैं? कहते बियर टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, जो तकलीफ दा लोगों को बचाएं, उनको महफूज करें फ्रॉम सारोज पावर्टी एंड वाइस थ्रू सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी देकर खुद की, जो खुद को कुर्बान कर तकलीफ देकर लोगों की गुर्बत को, दुखों को, परेशानियों को दूर कर। क्या ऐसे लोग हो सकते हैं तुम्हारी तरह जैसे तुम हो? सारा दिन धूप तुम्हारे ऊपर, सारा दिन गर्मी तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम हरी भरी हो, फिर भी तुम खुश हो, थके हुए लोगों को तुम सुकून बख्शती हो। Could man be steadfast like thee? क्या लोग तुम्हारी तरह हो सकते हैं बहादुर, एक जगह खड़े हों, जो सीधे खड़े हो जाएं, जो हमेशा यानी दूसरों की मदद के लिए खड़े हो जाएं? एंड लाइक दी, तुम्हारे जैसे तरह, कुड मैन बी स्टेड फास्ट एंड लाइक दी फेस एवरी फेट, हर किस्मत को, तकलीफ को, दुख को बर्दाश्त करें, जो उन पे आए वो उसको बर्दाश्त करें। वुड इट नॉट बी फुलफिलमेंट ऑफ लव लाइफ लवटियस्ट ड्रीम? क्या ये जिंदगी की यानी जो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन ख्वाब है, शायद उसकी ये तकमील नहीं हो सकती? माय लवली नीम, मेरे प्यारी, मेरी प्यारी नीम, वंडरफुल पोएम। यानी इसमें इस पोएम का मकसद क्या है, इस पोएम का थीम क्या है? थीम समझने की कोशिश करें कि इस पोएम में स्पीकर जो है या पोएट जो है वो नीम ट्री को एक खूबसूरत तरीके से पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि देखें क्या लोग तुम्हारी तरह हो सकते हैं, यानी दिस इज ऑल्सो कैन से द क्वेश्चन टू द पीपल कि क्या लोग, क्या इंसान खुद को तकलीफ देकर, खुद को परेशान कर दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिस तरह दरख्त मदद करते हैं, जिस तरह नीम ट्री मदद करते हैं? इट्स अ वंडरफुल पॉइंट, प्लीज़ रीड इट। थैंक यू, गुड बाय।